नवरात्रि के व्रत के लिए आपके लिए लेकर आई हूँ एक और फलाहारी थाली। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ पूरी और छोले को घर पर बनाया है, और यहाँ पर मखाने का लड्डू है, ये मैंने पहले से बनाकर रखा था। ड्राई फ्रूट्स हैं और सेब हैं। मखाने के लड्डू का वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए महज 30 मिनट में ये फलाहारी थाली बनाना शुरू करते हैं। 250 ग्राम छोले, यानी कि इसे काबुली चना भी कहा जाता है, इसे करीब 5 से 6 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था, और इसके बाद मैंने 3 सीटी तक इसे प्रेशर कुक कर लिया। अब एक ग्राइंडर में मैं ले लूँगी 5 मीडियम साइज़ के टमाटर और 15 से 20 काजू, इन्हें भिगो कर रखा था मैंने, इनको मैं पीस लूँगी, फाइन पेस्ट बना लें। फिर एक कढ़ाई में मैंने डाल दिया है करीब 5 से 6 बड़े चम्मच तेल, तेल गर्म हो जाए। फिर एक छोटा चम्मच जीरा डाल दिया, कुछ खड़े मसाले जैसे 2 कश्मीरी लाल मिर्च, 1 बड़ी इलायची, 4 से 5 दालचीनी के टुकड़े और 3 से 4 लौंग, इनको मैं थोड़ा भून लूँगी। इसके बाद इसमें डाल दूँगी 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और करीब 1.5 बड़े चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। आँच को धीमा रखें मसाला डालते समय, नहीं तो मसाले जल जाएंगे। तेल में मसाले आप डाल देंगे जैसे हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, तो छोले का रंग बहुत अच्छा आएगा। इसके बाद इसमें मैं डाल दूंगी टमाटर और काजू का पेस्ट, इनको तब तक पकाना है जब तक कि तेल ना अलग होने लगे। टमाटर और काजू का पेस्ट अच्छे से पक जाएगा तो उसमें से तेल अलग होने लगेगा। यहाँ पर मैंने 1/2 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और इसमें डाल दिया है। अब इसमें मैं डालूंगी कुछ सूखे मसाले, जैसे कि यहाँ पर मैंने 1 छोटा चम्मच छोले मसाला ले लिया है, उसे डाल दिया है। 1/2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर और 1 छोटा चम्मच मैं डाल दूंगी इसमें धनिया पाउडर। अब इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लें और इस पेस्ट को पकने के लिए छोड़ दें। इसमें मैं डाल दूंगी करीब 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। बीच बीच में चलाते रहें ताकि मसाला जो है तले में चिपके नहीं और जले नहीं, नहीं तो छोले का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। टेस्ट के लिए इसमें मैं डाल दूंगी सेंधा नमक, सेंधा नमक व्रत में खाया जाता है, तो इसे मैं डालकर अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो जब तक मसाला पक रहा है तब तक मैं आटा तैयार कर लूँगी। एक बोल में मैंने ले लिया है 250 ग्राम राजगीरा का आटा, उसमें मैं डाल दूँगी 3 मीडियम साइज़ के आलू, इन्हें उबाल कर मैंने मैश कर लिया, तो इस तरह से इसमें डाल दूँगी। फिर 1/2 छोटा चम्मच काले मिर्च का पाउडर, सेंधा नमक स्वाद अनुसार और धनिया पत्ता इसमें डाल दूँगी करीब 2 से 3 बड़े चम्मच बारीक काट कर। फिर इन्हें अच्छे से मसल के मिक्स कर लेना है, अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको एक सेमी स्टिफ डो की तरह बनाकर तैयार कर लें। आटा एक साथ इकट्ठा हो जाए उसके बाद इसे 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। 10 मिनट बाद आप देखेंगे कि आटा काफ़ी नरम हो गया है। तो अब हम छोले के मसाले को चेक कर लेते हैं। अब इसमें मैं डाल दूंगी 1 मीडियम साइज़ का आलू जिसे उबाल कर रखा था, उसे मसल के इस तरह से डाल दूंगी। तो प्याज और लहसुन नहीं डालने की वजह से करी को उतना अच्छा कंसिस्टेंसी देने के लिए मैं यहाँ पर मैं आलू का यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी उबले हुए छोले और इन्हें अच्छे से मिक्स करके करीब 2 से 2.5 कप इसमें पानी डाल दूँगी। अच्छी कंसिस्टेंसी मिल जाएगी इस छोले को, और करीब 5 से 7 मिनट के लिए इसे ढक कर पकने के लिए छोड़ दे धीमी आंच पर। तो यहाँ पर मैंने पानी डाल दिया, अब सारी चीज़ों को अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी ताकि पानी और करी अच्छे से मिक्स हो जाए और एक गाढ़ी कंसिस्टेंसी वाला करी बनकर तैयार हो जाए जो छोले पर अच्छे से लिपटा हुआ हो। तो जब तक हमारे छोले तैयार हो रहे हैं तब तक मैं पूरियां बना लूँगी। तो जो आटा मैंने 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था रेस्ट होने के लिए, उसे आप देखेंगे काफ़ी नरम हो गया है। इसमें 2 से 3 बड़े चम्मच तेल डालकर अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि आटा एकदम चिकना हो जाए। उसके बाद आटे की छोटी छोटी लोई बना लूँगी, बहुत ज़्यादा छोटी न बनाए। गेहूँ के आटे की पूरियों की तरह राजगीरा के आटे की पूरियाँ बेलन से बेलना बहुत मुश्किल होता है, तो इसे बेलने के लिए यहाँ पर मैंने एक प्लास्टिक शीट ले लिया है, उस पर तेल लगाकर उसे ग्रीस कर लिया है। अब उंगलियों को भी चिकना करके उंगलियों की सहायता से इस तरह से इसे दबा दबा कर हल्के हाथों से फैलाते जाएं। करीब 3 से 4 इंच के डायमीटर में पूरियों को बेलकर तैयार कर लें। यहाँ पर तेल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। पूरियों को तेल में डालकर दोनों तरफ से सुनहरा होने तक तल लेना है। तेल अच्छे से गर्म होगा तो पूरियाँ एकदम फुली फुली अच्छी बनेंगी। और भी दूसरी तरह की फलाहारी पूरियाँ जैसे सामा चावल की पूरी, सिंघारे के आटे की पूरी और कुट्टू के आटे की पूरी को आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। यहाँ पर छोले भी बनकर तैयार है। धनिया पत्ता से इसे गार्निश कर लूँगी। हरे धनिया से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा छोले में। करीब 1 मिनट के लिए इसे और पका लें ताकि धनिया का फ्लेवर छोले में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर हमारा सात्विक छोले बनकर तैयार है। देखा आपने, 2 सिंपल रेसिपीज़ को बनाकर एक पूरी की पूरी थाली मेरी बनकर तैयार हो गई है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करें अपने एक्सपीरियंस के बारे में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।
बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा।